हेलो गाइस, वेलकम टू नेदर ब्लॉग। यार आज मैं एक बहुत ही यूनिक चीज़ बनाने जा रहा हूँ और मैं उस जगह पर बना रहा हूँ उसे। यार माशाल्लाह सूरज का व्यू देखा, कितना प्यारा लग रहा है। देखें वो डूबता हुआ सूरज सब घरों के दरमियान में, क्या यार माशाल्लाह क्या कुदरत का नज़ारा है। यार ये आपने मिला सुनना है ना, पीछे आवाज़ें आ रही हैं आप सुन लीजिएगा। यार ये मैंने चीज़ चूज़ की है, जो मैं बना रहा हूँ ना वो बनाऊँगा इसके अंदर। इसको वहाँ पर बिछाता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैंने करना क्या आज। जी आ गया जी। यार आपको बताता हूँ क्या करना है मैंने। ये देखें अठारह चूज़ अंदर 8 × 18 = 8 कितने हो गए 26 चूज़े। इसके अलावा 10, 12, 15 खरगोश है, ठीक है 28 हो गए थे 15, ये तकरीबन 40-50 पीस जितना खाते हैं ना। और इसके अलावा 4 मुर्गियाँ ये भी हैं, अभी मुर्गा भी लेना है। तो ये जितना खाते हैं ना आप सोच भी नहीं सकते। और इनको खिलाना अब मेरे पास की बात नहीं है, खैर खिलाता तो अल्लाह ताला है। अब मैं इनके लिए बना रहा हूँ ग्रीन फूडर। और ग्रीन फूडर पहले जो मैंने बनाया था वो मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने बनाया था छोटी टोकरियों में। वो थी जो टोकरियाँ पड़ी हुई हैं, ये देखें यहाँ पर वो अंदर पड़ी हुई हैं। ये टोकरियों मैंने अंदर खा तो लिया था लेकिन इनका ना पेट नहीं भर रहा था क्योंकि काफ़ी छोटी टोकरी। तो अब मैंने एक बड़े पैमाने पर ग्रीन फूडर तैयार कर रहा हूँ। इसके अंदर मैंने ये सोचा है कि इसको ऐसे नहीं बल्कि ऐसे करते हैं, इसमें ज़्यादा एरिया बन जाएगा ना। ये देखेंगे इसको ऐसे कर लेंगे, यहाँ पर साइडों पर मैं लगा लेता हूँ कोई चीज़ ऐसे फट्टा वगैरह लगा के ना इसके अंदर भर देंगे मिट्टी। मिट्टी जब भर देंगे ना इसके अंदर, मिट्टी में आधी ले आया हूँ, ओए कितना गंद उड़ा दिया इसने, आधी मिट्टी में ले आया हूँ, बाकी अभी नीचे पड़ी हुई थैलों में। ये सारे मैंने गमले को इकट्ठा करके, गमलों को तोड़ फोड़ सारे गमले को, इसके अंदर मिट्टी डाल देते हैं। और मिट्टी डालने के बाद इसके ऊपर हम दाने बिखेर देंगे। ये जो ग्रीन फूडर होता है ना इसका ये होता है कि ये एक गुना गंदम को 7 गुना कर देता है, यानी कि इतनी से गंदम का दाना डालते हैं ना ऊपर से इतनी इतनी घास आ जाती है। और फिर वो इनको हम चूज़ों को भी खिलाएंगे, अपने रैबिट्स को भी खिलाएंगे, अपने मुर्गियों को भी खिलाएंगे। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर तारों से या किसी भी चीज़ से फट्टे लगा देता हूँ, ये क्यारी बन जाएगी, 2 क्यारियाँ बन जाएगी। इसको इस साइड पर रख देता हूँ और इसमें डाल देते हैं। सर काफ़ी सारा कलाम हो गया मेरा, बहुत सारा हो गया, अब काम शुरू करते हैं। तो खोलने की देर होते हैं इसी छत पर आ जाते हैं। यार उस छत पर ना दाने गिरे हुए, मैंने वो खिलाना चाहता हूँ। और ये इसी थैले के पास आ जाते हैं, बल्कि इस थैले को भी उठा के ना वहाँ पर रख लेते हैं ताकि ये वहाँ पर आ जाएँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ आ, ओए नीचे नहीं गिरना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ आ आ आ आ, ओए दोबारा गए, कमाल है यार, पता नहीं क्या रखा है उस छत में। अब वैसे साइज में ना चूजे कोयल के बराबर हो गए हैं, जब से मैंने इन्हें आज़ाद किया है ना अब इनका डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कोयल और चूजे अगर बराबर ठहरे तो एक दूसरे के बराबर होते हैं तकरीबन। मेरे पास जब के 2 प्यार हैं और मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस हो गया, जिस दिन इसने अंडा देना था मुझे पता चल गया कि यार आज ये अंडा दे देगी, बस पता नहीं कैसे। खैर अब आज मुझे भी इसका पता चल रहा है कि इसने अंडा दे देना या फिर दे दिया है, जैसे इसका बैठने का अंदाज़ है। मैंने आपको कल उस दिन भी बताया था कि जैसे इसका आज बैठने का अंदाज़ है ना मुझे लग रहा है कि आज अंडा दे देगी, और उस दिन उसे सिर्फ टाइम अंडा दे दिया था और आज ही इसने अंडा दे दिया। जैसे बैठी है ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह शाम तक या कल तक इसका अंडा आ जाएगा। फीमेल ने इसके अंडा दे दिया और ये अभी भी घर बनाने के चक्कर में, वो देखें अभी ये नेस्टिंग मटेरियल लेके जा रहा है अपने नेस्ट में। इसका अंडा चेक कर लें कि सही पड़ा हुआ है इसका अंडा। यार यहाँ पर पड़ा था पहले इसका अंडा, पहले इस जगह पर पड़ा था इसका अंडा, अब मेरे ख्याल में वहाँ पर ले गई है शायद, पता नहीं क्या है इसको मसला। यार यहाँ पर सही तो पड़ा था, अब देखें पहले यहाँ पर नीचे था इसका नेस्ट, अब इसने वहाँ से नीचे कर लिया और वहाँ पर बैठी हुई है। खैर यार जहाँ पर भी बैठती है बैठे बस बच्चा निकलना चाहिए। यार देखते हैं कोयल हाउस में कोई चीज़ मिलती है हमें, अल्लाह करे यार इसने अंडा दे दिया हो। नहीं दिया यार इसने अंडा, घर तो इसका बहुत प्रॉपर बना हुआ है, ये भी है ये भी है। अगर 2 फीमेल से इकट्ठा अंडा देना चाहते हैं ना तो दे सकती हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने एक घर ये भी बनाया हुआ है, अगर इनको ये पसंद आता तो यहाँ पर भी अंडा दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक कहीं भी अंडा नहीं दिया अपना। यार ये उड़ के ऊपर आते हैं भाई, नीचे डाल तो रहा खुराक नीचे से खाना, ये देखना उड़ के ऊपर आएगा, पता नहीं क्या मसला है इसको वाइट वाले को, बाकी सारे ठीक है, यही इसी को मसला है सिर्फ। ठीक हो गया जी। ओ यार मेरे लबर्स की सारी खुराक खत्म हो पड़े और मुझे पता भी नहीं चला यार, पता नहीं ये कैसे रह रहे हैं, देखें छिलके बच्चों में। खैर खुराक तो अभी इसमें है, चलो यार ये जो छिलके हैं ना ये अपने रैबिट्स को डाल देते हैं। आ, आ, आ। इसको रखते हैं यहाँ पर और इसमें डालते हैं। चूज़े तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहे हैं खाने के लिए, रैबिट्स कम हो रहे हैं, रैबिट्स शोर नहीं करते, ये जो है ना ये चूज़े ये बहुत शोर करते हैं खाने के लिए, यार इन्हें बहुत मुश्किल हो रही है खाते हुए। कुछ नीचे से देखे ना बेचारे तंग हो रहे हैं, इसको नीचे ही रख देते हैं। ओए ओए
जोर पकड़ लिया। ये देखें ये देखें ये देखें इसके काम देखें। ओह यार यहाँ पर खा लो, मैं तुम्हारे लिए आसानी कर रहा हूँ। यार मेरी मुर्गियों ने अभी तक अंडा नहीं दिया, पता नहीं किस सोच में कल तो इस वक्त दे दिया था। ओए तुझे अभी तक भूख नहीं लगी है, जा खाना बैठा हुआ है। यार ये मैं डाल देता हूँ अपने बजीज में क्योंकि मेरे बजी ओई ओ यार अंदर गया, चूसा अंदर जो चला जाता है ना मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात। और अब ये निकलेगा नहीं काफ़ी देर, और इसको निकालते निकालते दो तीन और घुस जाएंगे। सर जो है ना ये इस टाइम इंतजार में बैठे हैं फूल के, ये जाए और हम खाना खाएंगे। देख नीचे देख रहे हैं सारों का झुकाव, नीचे पे लैंडिंग कर रहे हैं अब। ये कुछ ने कर भी लिया लैंडिंग, माशाल्लाह यार पेयर चेक करें बिल्कुल एक ही जैसा पेयर है और लेवल पेयर है। ये रोटी के इंतजार में आए बैठे हैं बेचारे, और मैंने आज भूल के सारी की सारी रोटी जो जितनी भी थी ना मैंने अपने रैबिट्स को डाल दिया और इन्हें डालना भूल गया हूँ। अब ये रोटी के इंतजार में बैठे हुए हैं और मैं ये सोच रहा हूँ कि इन्हें ना गंदम भिगो दूँ अभी और इन्हें असर का टाइम गंदम डाल दूंगा अभी, इन्हें कुछ देर सब्र करना पड़ेगा। तो यार इसका इतना काम कर लिया, इसमें थोड़ी सी मिट्टी और बिछानी है और उसके बाद फिर इसमें बाजरे है ना, बाजरा इसमें वैसे भी डाला हुआ है थोड़ा सा, पता नहीं कैसे इसमें बाजरा आ गया थोड़ा सा, या पता नहीं मिट्टी थी मिट्टी में बाजरा हो गया। इस साइड पर भी मिट्टी डालेंगे थोड़ी सी और फिर इसके बाद इसके ऊपर पानी अच्छी तरह लगा के ना थोड़ी सी गंदम भिगो देंगे, और गंदम से ये होगा गंदम फिर उगाएगी और फिर हम इन्हें खिलाएंगे। और गंदम के अलावा मैंने एक और भी चीज़ सोच लिया, अब इसमें मैं सबज़ लहसुन नहीं होता वही इसमें लगा दूंगा, और सबज़ लहसुन घर के लिए भी हो जाएगा और कुछ तोतों को भी देता है। तोतों से ये है कि उनका जो यानी कि जिस जैसे हम पैनो डाल खाते हैं ना वैसे उनके लहसुन काम करता है, तो इसमें लहसुन भी थोड़ा सा इस साइड पर उगा लेंगे। हाँ हाँ तुम्हारी खुराक डालनी है याद है मुझे, पता करो सब्र करो डाल देता हूँ। यार ये शोर करके ठहर जाती हैं, व्लॉग ही नहीं बनाने देती मुझे, कहते हैं हमें पहले खुराक डालो और फिर ही कुछ करना, अदरवाइज कुछ भी नहीं कर सकते तुम, बस काफ़ी है। यार इनकी मिर्च फिर ख़त्म हुई पड़ी है, कल आज जाके ना हम शाम को लाजमी लेंगे मंडी से, और अभी फिलहाल ना मैंने दाने डाल रहा हूँ इतने। तो यार इसका काम अभी रह गया, इसका काम बाद में कंप्लीट करेंगे। आज के व्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में न्यू एक्टिविटी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।